जैसे कि रेल वापस चल गई है और बहुत रुकी हुई थी, पर बहुत मज़ा आ रहा है लोगों को देख के, आप लोगों को देख के, कैमराज देख के एक्चुअली मैं थोड़ा बोर हो गया क्योंकि वो हर समय 24 घंटे आपके आसपास रहते हैं। बट आई थिंक इट्स अ मच बेटर फीलिंग कि लोगों को देख पा रहे हो, आप जो भी मन कर रहा है वो खा सकते हो और जब चाहो आप सो सकते हो, जब चाहो आप उठ सकते हो। सो इट्स अ वेरी गुड फीलिंग। बिग बॉस की आवाज़ और सलमान सर के घर का खाना, वो गौरव भी बताएंगे आपको। वीकेंड पे सलमान सर के घर का खाना, दैट्स व्हाट यू मिस? नो, आई मिस इट नाउ बिकॉज़ आई जस्ट कम आउट। बाहर आते सबसे पहले प्रथम काम कार्य क्या किया? प्रथम कार्य जो किया वो मैं सोया, बिकॉज जो लास्ट दो दिन होते हैं वो बहुत ही डिफिकल्ट हो जाते हैं। You are up all the time, so I think that's what I did. How do you remind yourself and now जैसे जीतते हैं या जो भी आप रहे वहाँ पे, उसके बाद तो आपने जो इंटरव्यूज दिए वो तो है, लेकिन उसके बाद अब कुछ दिन गुजर जाने के बाद में क्या मानसिक स्थिति है, मतलब क्या सोचते हैं? मैं एपिसोड्स ही नहीं देख रहा हूँ बिल्कुल भी, बिकॉज आई वॉन्ट टू स्टे अवे कम्प्लीटली। आई वॉन्ट टू गेट बैक टू नॉर्मल लाइफ। वो नॉर्मल लाइफ में आना बहुत ज़रूरी है ताकि आप रियलिटी और रील से डिफरेंस कर सके। सो अब आई व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू इज मैंने इमीडिएटली आई गॉटन बैक टू वर्क आई, सो आई थिंक इट विल बी एक्साइटिंग टू डू दैट। क्या करने वाले अभी कुछ प्लान नहीं बनाया, आई हैव जस्ट कम बैक, सो आई थिंक इट्स अ वेरी एक्साइटिंग टाइम राइट नाउ टू सी एंड टू गेट बैक टू मीटिंग पीपल, मीटिंग योर फ्रेंड्स अगेन, सो आई थिंक इट विल बी गुड। अरे वो काम शुरू होगा, अभी दो दिन हुए हैं मैं बाहर आए हुए, थोड़ा सा टाइम मिलेगा सबको, सो देन इट विल बी मच बेटर फ्रॉम देयर। एंड व्हाट अबाउट द कैलेंडर यहां पे जो इट्स द मोस्ट लेजेंडरी कैलेंडर फॉर एनी वन, सो आई थिंक एवरी वन वुड लव। क्विकली वी ऑल लव द कैलेंडर, वी ऑल वॉन्ट बी पार्ट ऑफ द कैलेंडर बिकॉज इट्स लेजेंडरी, एवरी ईयर इट कम्स आउट एंड आई एम सो ग्लैड दैट आई एम हियर टू विटनेस। सबसे पहले हम लोग देखेंगे कि कैलेंडर में कौन कौन है, किस तरह के पिक्चर्स है, वेरी वेरी एक्साइटिंग टू सी दैट। थैंक यू सो मच।